हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही भाई के यूट्यूब चैनल पे एडिक्शन राजा में। दोस्तों अभी जो हम बात करने वाले हैं वह पीएनजी वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में जो खेला जाएगा सीडब्ल्यूसी लीग 2 वनडे का मुकाबला। दोस्तों ये कि जो कि आप लोगों को मालूम होगा 50 ओवर का टूर्नामेंट चल रहा है और ये वीडियो का टाइम देख लीजिए दोस्तों, रात्रि के 1:40 में ये वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों समझ सकते हो कि अगर ये वीडियो रात के इतने बजे बन रहा है, इसका मतलब है कि जब मेरा रिसर्च कम्प्लीट हो गया होगा उसके बाद ही मैंने आप लोगों को वीडियो बनाने को लेकर सोचा है। और आप लोगों को जब वीडियो देखने के बाद मेरा मेहनत पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर दोस्तों हम बात कर लेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम की, तो विनिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्कॉटलैंड के विनिंग चांसेस तकरीबन 80% के आसपास है। वहीं दोस्तों अगर हम पीएनजी की बात कर ले तो इसके विनिंग चांसेस 20% के आसपास है। तो इस अकॉर्डिंग आपको जीएल मिनी जीएल टीम सेटअप करनी है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं लास्ट टाइम जब दोनों टीम आमने सामने खेली थी तो दोनों टीम का प्रदर्शन कैसा रहा था, फिर दोस्तों हम लोग दोनों टीम का रिसेंटली प्रदर्शन भी देख लेंगे। दोस्तों हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि लास्ट टाइम जब दोनों टीम आमने सामने खेली थी तो उसका प्रदर्शन कैसा रहा था। तो पीएनजी बोर्ड पे खड़ा किए थे 197 रन और इस मैच में दोस्तों पीएनजी की टीम जो 130 रन भी नहीं कर पाती या फिर 150 के आसपास सिमट जाती। लेकिन यहाँ से जिनके पास गेंदबाज है ना सीपी चैट शॉपर और यहाँ से डी राबो, उसने अच्छा खासा नॉक खेल दिया था, तब जाके इनके बने थे 197 रन। बात करेंगे बल्लेबाजी में, टी उरा 2 किए थे, सियाका 17, उसके अलावा असद वाला 28, सी अमीनी 18, एस बाउ 10 रन, उसके अलावा किपलिन दोड़ी का 11, जैसन किला 4 रन, एन वनुआ 13 और सी सॉपर यहां से 46 रन किए हुए थे। बात करेंगे राबू को लेके तो इसने 32 रन किया हुआ था। यहां से बात करेंगे गेंदबाजी में तो स्कॉटलैंड के जो गेंदबाज थे अलसदर इवेनस 9 ओवर 36 रन 2 विकेट, साफियान शरीफ 9 ओवर 56 रन 2 विकेट, जीमेन 8 ओवर 33 रन 3 विकेट, मार्क येट 10 ओवर 26 रन 0 विकेट, हमजा ताहिर 10 में 36 रन 3 विकेट, कैलम मैकलियोर 2 ओवर 5 रन 0 विकेट। बात करेंगे स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी में तो मैथ्यू क्रॉस ने 70 किया हुआ था, फिर यहाँ से काइले कॉर्जर 23, मैकलियोर 45, रिची बैरिंगटन 12 और साथ में जॉर्ज मेंसे 27, डी बस 7 रन किए हुए थे। बात करेंगे गेंदबाजी में तो पंजी के जो गेंदबाज थे पोकाना, उसने 5 ओवर 21 रन देकर 0 विकेट लिए थे, वनुआ 10 ओवर 48 रन 0 विकेट, डी राबो 5 ओवर 40 रन 0 विकेट, सी अमीनी 4 ओवर 19 रन 0 विकेट, सी सॉपर 10 ओवर 20 रन 2 विकेट, एल सिया का 2 में 16 रन 0 विकेट, असद वल्ला 7 ओवर 30 रन 2 विकेट। बात करेंगे डेथ में तो इधर से आप लोग को दिख जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली पोकाना और आपको इनके साथ निभाते हुए दिख जाएंगे यहाँ से सी सॉपर या फिर दोस्तों डी राबो में से कोई एक। बात करेंगे अगर वहीं दोस्तों स्कॉटलैंड की डेथ ओवर की गेंदबाजी की तो यहाँ से आप लोग को दिख जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली साफियान शरीफ और इवेनस खेलते हैं, आपको इवेनस दिख जाएंगे या फिर दोस्तों दिख जाएंगे जीवेन इवेनस और सीपी सोले, इन तीनों में से जो भी खेलेगा वो शरीफ के साथ डेथ में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग देखिएगा पीएनजी का जो लास्ट मैच हुआ था ओमान के साथ, उस वहाँ पर देखिएगा पीएनजी के गेंदबाजी क्रम कुछ ऐसा रहा था जहाँ पे कौन कितने ओवर डाले थे उसको देख लीजिए और कौन कितने विकेट लिए हुए थे उसके तरफ भी आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब आइए था बल्लेबाजी को भी देख लीजिएगा। बल्लेबाजी में बात कीजिए तो बल्लेबाजी पीएनजी का लगातार लचर कर रहे हैं, जहाँ पे आप देखिएगा तो फिर से सॉपर ने 11 किए हुए हैं, इसके अलावा यहाँ से जेसन किला ने 36 किया हुआ, बाकी कोई बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं है। वहीं अगर दोस्तों हम स्कॉटलैंड की बात करें तो लास्ट मैच में ओमान की टीम को बीट करके आ रही है, जहाँ पे जो है बैटिंग क्रम में देखोगे तो रिची वेलिंगटन ने शानदार 97 का नॉक खेले हुए थे। इसके अलावा आप लोग देखिएगा गेंदबाजी में तो स्कॉटलैंड टीम ने काफ़ी चेंजेस किए हुए थे, यहाँ पे दिखे तो सीपी सोले डेथ में गेंदबाजी किए हुए थे, इसके अलावा मार्क येट और साथ में साफियान शरीफ ने 10-10 का स्पेल डाला हुआ था, हमजा ताहिर ने 10 का स्पेल डाला हुआ था, साथ में माइकल लिस्क 8 और मैकलियोट ने इनका बाकी बचा काम किया हुआ था। आइए दोस्तों हम देख लेते हैं अपना ड्रीम इलेवन का टीम। विकेट कीपर सेक्शन में बात कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे टी उरा, एम क्रॉस और के दोड़ीगा, तो विकेट कीपर सेक्शन में सोचना भी नहीं आपको, एम क्रॉस को ही स्ट्राइक करने हैं मिनी जीएल एसएल सभी जगह। बात करेंगे यहाँ से बल्लेबाजी में तो काइले कॉर्जर अच्छे पिक बन जाएंगे, इसके अलावा रिची वेडिंगटन तब अच्छे पिक बन जाएंगे, तब अच्छे नहीं बहुत अच्छे पिक बन जाएंगे जब स्कॉटलैंड की पहले बल्लेबाजी आए। तो ये मैच टॉस के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, टॉस के बाद कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं तो जो भी पॉसिबल चेंजेस होंगे उसका अपडेट्स मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, सबसे टॉप कमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर तकरीबन अभी 71,000
सब्सक्राइबर ऑलरेडी ज्वाइन है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ से बैटिंग में, तो मैंने दूसरा जो पिक किया वो मैकलियो, तीसरा मेरे पिक बनेंगे यहाँ से बेडिंगटन। हो सकता है कि बेडिंगटन को मैं ड्रॉप कर दूँ जब स्कॉटलैंड की पहले गेंदबाजी आए और मैं यहाँ से सियाका लेके एक स्कॉटलैंड का एक्स्ट्रा गेंदबाज लेके चला जाऊँ। बाकी आप चाहो तो यहाँ से सियाका को ट्राई कर सकते हो, मुंशे को भी ट्राई कर सकते हो, जॉर्ज मुंशे आपके लिए अच्छे पिक बन जाएंगे जब स्कॉटलैंड का पहले बल्लेबाजी आएगा। बाकी मिनी जीएल जीएल में अगर जीटो का खेलते हुए दिखाई दीजिए तो इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी आप लोग एस बॉ को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बात करेंगे ऑलराउंडर में, तो मैंने यहाँ से असद वल्ला और सी अमीनी के साथ हमजा ताहिर को जगह दिया। भाई आपके पास जो दो अच्छे पिक बन जाए वो बन जाएंगे दोस्तों यहाँ से एमलिस्क, दूसरे बनेंगे एन वनवा। इस दोनों का आप लोग चाहो तो मिनी जीएल जीएल एसएल तीनों जगह ट्राई कर सकते हो। मैं मैकलिस्क को ट्राई करना चाहूँगा अगर स्कॉटलैंड की पहले गेंदबाजी आए तो। बाकी बात करेंगे यहाँ से गेंदबाजी क्रम में, तो मैंने यहाँ से ट्राई किया हुआ है साफियान शरीफ को, उसके अलावा मैंने ट्राई किया हुआ है मार्क यट को। न्यूज़ निकल के आ रही है कि स्कॉटलैंड किसी को भी रेस्ट दे सकती है, तो किसको देगी ये कहना फिलहाल टफ दिख रहा है मुझे। उसके बाद मैंने यहाँ से ट्राई किया हुआ है सी सॉपर को। साथ में मैंने जो लास्ट अपने पिक किए हैं वो या तो मैं जाऊँगा पोकाना के साथ, या मैं जाऊँगा सियाका के साथ, या दोस्तों मैं यहाँ से चला जाऊँगा अपनी टीम में लेके एंड वनुआ के साथ। फिलहाल मैंने जगह दिया अपनी टीम में एन पुकाना को। अब टीम प्रीव्यू की बात कर लूँ तो मैंने विकेट कीपर सेक्शन मैथ्यू क्रॉस को लिया हुआ है। फिर मैंने यहाँ से बेडिंगटन, कॉडसर और मैकलियोड को अपनी टीम में जगह दिया। बात करेंगे यहाँ से ऑलराउंडर में, तो मैंने अमीनी, असद वल्ला और हमजा ताहिर को जगह दिया हुआ है। बात करेंगे बॉलिंग में, तो मैंने यहाँ से साफियान शरीफ, एन पुकाना, मार्कियट और सी सॉपर को अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। कैप्टन वीसी की बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा। दोस्तों अभी जो आप वीडियो को देख रहे हो ना, उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके ऊपर ले जाओगे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे सब्सक्राइब, इसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और साथ में आप लोग बेल आइकन पे ऑल कर लेना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो दूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जितना पहले दोस्तों आप वीडियो देखोगे हो सकता है उतना जल्दी आप कंटेस्ट ज्वाइन करोगे और उतना बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब के साथ आप लोग लाइक के ऊपर ज़रूर क्लिक कर देना और लाइक कर देना, तो ये दो काम आप लोग ज़रूर कर दिए होगी, उम्मीद करता हूँ कर दी हो ना, नहीं किए तो अभी जाके कर दो, ठीक है। देन आफ्टर आप लोग आओगे कमेंट सेक्शन में मेरे भाई। जब आप कमेंट सेक्शन में आओगे ना, आपको सबसे टॉप में दिख जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओगे। बाकी लास्ट के 7-8 मिनट में आपको कैप्टन वीसी भी मेरे कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग जाके लास्ट के 7 या 8 मिनट में ज़रूर चेक कर लेना कि मेरे कैप्टन वीसी कौन रहने वाले हैं। इसके बाद आप लोग दोस्तों जब आप जाओगे यहाँ पे टाइटल के ऊपर क्लिक करोगे, तो टाइटल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे दिख जाएंगे वो 7 एप्लीकेशन जहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट होते हैं। साथ में यहाँ पे आप लोगों को लूडो ऐप भी का भी लिंक दिख जाएगा, अगर आपके पास लूडो का नॉलेज है तो जाइए लूडो ऐप पर जाकर खेलिए और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कीजिए। यहाँ भी मैंने आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो इसके ऊपर भी क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी भी तरह का फैंटेसी टिप्स चाहती हो तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे फॉलो कर लीजिए, और जो भी टिप्स चाहिए हो वो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। अब दोस्तों फाइनली कैप्टन वीसी की सेक्शन की बात करें, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन वीसी का जो डिसीजन है हम आफ्टर टॉस ही लेंगे कि हम किसको कैप्टन देंगे किसको वीसी देंगे। अगर दोस्तों यहाँ से टॉस जीतती है कौन, स्कॉटलैंड की टीम, तो मैं इस 4 में से किसी दो को कैप्टन वीसी देना पसंद करूँगा। अगर दोस्तों यहाँ से टॉस जीत के मीन्स बल्लेबाजी करती है, तो अगर दोस्तों यहाँ से स्कॉटलैंड की टीम पहले गेंदबाजी करे, तो मैं हमजा ताहिर, मार्क यट या फिर दोस्तों पुकाना बोल दिए साफियान शरीफ, इन 3 में से मैं किसी दो को कैप्टन वीसी ट्राई करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद यहाँ से मैं बेडिंगटन के जगह पर ट्राई कर लूँगा सियाका को, और मैं एक एक्स्ट्रा गेंदबाज लेकर चले जाऊँगा पुकाना के जगह पे, किसका, स्कॉटलैंड का। फिलहाल दोस्तों जो मैंने स्मॉल लीग में कैप्टनसी दिया वो मैंने दिया हुआ है फिलहाल अपनी टीम में साफियान शरीफ को, वीसी मैंने फिलहाल दिया हुआ है मार्क यट को। ऐसा हो सकता है कि स्कॉटलैंड का अगर पहले बल्लेबाजी आए तो मैं यहाँ से कैप्टन दे दूंगा सी मैकलियोड को, और वीसी दे दूंगा रिची वेडिंगटन, मैथ्यू क्रॉस या फिर दोस्तों कैले क्वाइटजर में से किसी एक को। फिलहाल जो मैंने स्मॉल लीग में कैप्टन दिए हैं वो दिए साफियान शरीफ को, बीसी जो मैंने दिए वो दिए मार्क यट को। बाकी दोस्तों इन टीम में से अगर कोई चेंजेस होता है तो उसका अपडेट्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को इसी कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में दिख जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, या फिर दोस्तों आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेने हैं
@prayerdraza123। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, आपको यही एग्जैक्ट सर्च करना। जैसे आप ये सर्च करोगे आपको दिख जाएगा एक चैनल जहाँ पे 71,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी ज्वाइन है, उसी चैनल के साथ आप लोग को जुड़ना है। जैसे दोस्तों आप लोग मेरे मेन चैनल के ऊपर क्लिक करोगे, बाकी सारे फेक चैनल है, फेक चैनल से आप लोग को बिल्कुल नहीं जुड़ना है फेक चैनल के साथ। जैसे दोस्तों आप मेरे मेन चैनल पर जाओगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा ज्वाइन होने का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग दोस्तों ज्वाइन हो जाओगे। और यहाँ पर पिन मैसेज में देखना वही सात एप्लीकेशन दिख जाएगा जिसके ऊपर मेरे इन्वेस्टमेंट होते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने वो सब खुल के आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे भाई कहते हैं कि राजा भाई एक्सेंस 22 का मुझे एक वीडियो बताइए जिसमें मैं बाय सेल मल्टीफिगर कैसे करूँ, तो उसका भी मैंने डिटेल्स वीडियो यहाँ पे दे रखे हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग जाकर देख लीजिए कि एक्सेंस 22 में बाय सेल और मल्टीफिगर हम लोग कैसे करते हैं। बाकी यहाँ भी आप लोग को सबसे लास्ट में दिख जाएगा वैसे लूडो ऐप का लिंक, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग लूडो ऐप पर जाके खेल सकते हो थोड़ा बहुत अमाउंट और दिन के अच्छे खासे अमाउंट निकाल सकते हो। बाकी दोस्तों मैंने इसको लेकर तो बोला ही था कि भाई साहब ने अपने गाँव का 49 रुपीज में दोस्तों अंदर शाड़ी जहाँ पर मेरा गाँव है वहाँ का दोस्तों देखिएगा कि 49 रुपये में भाई साहब ने जीत लिए 1 करोड़ रुपीज़ दोस्तों। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर जो है ना एक कौन क्या कहता है नहीं कहता है उसके ऊपर फर्क बिल्कुल मत ध्यान दीजिए भाई साहब। इसके मतलब कल से पहले ये सिर्फ एक अशोक था लेकिन आज अशोक जी बन गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनके पास 1 करोड़ रुपया का जैकपॉट लग गई है। कोई वैसा वैसा नहीं कि इसको कहीं मिल गया है, इसने मेहनत की है इसको लेके तब जाके दोस्तों जीएल में एक रैंक दी है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों अपने गांव की हो, अपने भाई जैसा हो, अपने समझो कि डिस्ट्रिक्ट, तो कहते हैं ना कि एक पहले स्टेट का होना, फिर डिस्ट्रिक्ट का होना, फिर दोस्तों विलेज का होना, तो दोस्तों सब क्राइटेरिया जब मिल जाए तो भाई कहला जाता है। बाकी आप सभी भी मेरे भाई जैसे ही हो, चाहे आप मेरे डिस्ट्रिक्ट से हो ना हो, मेरे इंडिया से हो, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है मैं चाहूँगा कि दोस्तों जैसे अशोक भाई ने प्रदर्शन किया वैसे आप लोग भी प्रदर्शन करो, अच्छा खासा विन करो। भले जीएल में रैंक 1 ना आए लेकिन दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि मिनी जीएल असल में आप लोगों का कब्जा होना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया किस बात की देरी है भाई, अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए भाई एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए।